स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और मेरे निजी ओर से समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई। ये एक बड़ा अवसर है और इस अवसर पर हम सब रिजॉल्व करें कि हम अपने मन, वचन और कर्म से ऐसा कार्य करेंगे जिससे देश का गौरव बढ़े। लखनऊ विश्वविद्यालय में हम सब भरपूर प्रयास करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में और प्रसार के क्षेत्र में ऐसा कार्य सतत करते रहें जिससे राष्ट्र का, समाज का और हमारे सभी स्टेक होल्डर्स का मान बढ़े, गौरव बढ़े। और हमारी सबकी अपेक्षा है कि देश का समस्त वासी इसी तरह का कार्य करे जिससे कि देश का मान बढ़े। आने वाले दिनों में हम सब पुनः एक साथ, एक सुर में अपने मन, वचन, कर्म से ऐसा कार्य करें जिससे राष्ट्र की एकता, अखंडता और बलवती हो और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अल्लाह रे मेरे देश की शादाब फजाएं, आती हुई जन्नत के बगीचों से हवाएं, जाहिद की मुनाजात को साधु की दुआएं, आती है कहीं खुशी की बंसी की सदाएं, देखी जो शिवालय की पुजारन की वधाएं, शोखा ने कहीं साग जमीनों को हराएं, सिखों के, मुसलमान के, ईसाई के, हम हिंदू सब एक ही माता के हैं बिखरे हुए यीशु। हमारा ये देश एक अद्भुत देश है। जो आज़ादी हमें मिली वो केवल नेताओं के अनन्य कामों के द्वारा नहीं मिली, बहुत सारे जन जन के प्रतिनिधियों ने और साधारण जनों ने प्रयास करके भारत की आज़ादी के लिए प्रयत्न किए, जिसके फलस्वरूप आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। जो आज़ादी की कीमत नहीं जानता वो वास्तव में जिंदा नहीं है। एक बार फिर हम प्रस्तुत करते हैं अपने शिक्षा कुल के गुरुजनों और छात्रों की कुछ प्रस्तुतियाँ इस मौके पर जो जश्न आज़ादी का है। प्रस्तुत है एक और कुसुमांजलि हमारे छात्रों और हमारे गुरुओं की द्वारा इस जश्न आज़ादी के मौके। स्वाधीनता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। देश की स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ पर आप सबको शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक साथ मिलकर आपके समक्ष लाए हैं हमारे वर्चुअल कल्चरल मैगजीन का तीसरा संस्करण जश्न-ए-आज़ादी। हमारे इस संस्करण की हर एक प्रस्तुति आपको आजाद भारत के संग्राम के इतिहास से होते हुए वर्तमान और भविष्य में विकास और सफलता के आसमान में लहराने वाले तिरंगे की याद दिलाएगी। हर प्रस्तुति आपसे यही कहेगी, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सेनानियों के कर्म और वचन दोनों ही लोगों के दिलों में जोश भरने और उन्हें संग्राम में शामिल होने की प्रेरणा देते थे। आज भी हम उन्हीं पंक्तियों को सुनते हैं और सोचते हैं, वाकई क्या जज्बा था वतन पर मिटने का कि वो जान की बाजी भी मुस्कुरा कर दी। राम प्रसाद बिस्मिल जी की प्रमुख पंक्तियां हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कैसे थे हमारे ये शहीद कि चंद्रशेखर आजाद जी ने इसके उत्तर में कहा था कि हमें क्या जो तुर्बत पे मेले लगेंगे, तहे खाक में हम अकेले रहेंगे। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख पंक्तियां हैं, हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभास मुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रूपो नसूर साहसी, और आदि सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। जय हिंद जय भारत। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरोजनी नायडू, पेरियार, कनकलता, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने हमें आजादी दिलाई, स्वतंत्र हवा में सांस लेना सिखाया, देश स्वराज से हरा भरा और उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ, और धीरे धीरे विश्व को भी पता चला कि भले ही हम भारतवासी देखने में, बोली में और रीति रिवाजों में अलग हैं, लेकिन एक है, अखंड भारत है और सशक्त भारत है। आइए देखते हैं इसी भावना को नृत्य के रूप में दर्शाती यह प्रस्तुति। विश्वविद्यालय के तीन होनहार विद्यार्थियों की पेशकश। सबसे पहले अभिषेक शुक्ला सुना रहे हैं अशफाकुल्ला खान की लिखी कविता। वो अशफाकुल्ला खान जिन्होंने फैजाबाद में फांसी चढ़ने से पहले आखिरी रात भी देश के लिए ये दुआ मांगी थी कि बहुत ही जल्द टूटेगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आजाद ये हिंदुस्तान होगा। एक वो सिपाही थे जो भारत की आजादी के लिए कुर्बान हो गए। फिर शिवांश, आपको अपने
कीबोर्ड पर सुनाएंगे हमारे इसी आजादी की हर दिन रक्षा करते जवानों की कहानी और अभिन्न याद दिलाएंगे कि एक आम नागरिक होते हुए भी हम कैसे अपने वतन, अपने देश और इस मिट्टी के लिए कर्म, धर्म और वचन से बद्ध हो सकते हैं। आइए आनंद लेते हैं अभिषेक, शिवांश और अभिन्न की प्रस्तुति। कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे, हटेंगे नहीं पीछे डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे, बेशस्त्र नहीं हैं हम, बल है हमें चरखे का, चरखे से हम जमी को ताचरख गुजा देंगे, परवाह नहीं कुछ गम की, दमकी नहीं मातम की, है जान हथेली पर एक दम में गंवा देंगे, उफ तक भी जुमा से हम हरगिज ना निकालेंगे, तलवार उठाओ तुम हम सर को झुका देंगे, सीखा है नया हमने लड़ने का यह तरीका, चलाओ गन मसीने हम सीना अड़ा देंगे, दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं, खून से ही हम शहीदों के फौज बना देंगे, मुसाफिर जो अंडमान के तूने बनाए जालिम, आज़ाद ही होने पर हम उनको बुला लेंगे, कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। Thank you.
आइए मातृभूमि वंदना में सुनते हैं हमारे विश्वविद्यालय के संस्कृत और प्राकृत भाषा विभाग के दो अध्यापकों की ये प्रस्तुति। रत्नगर्भाधरा सुष्मिता श्यामला दिव्यतीर्थस्तटा सिंधव दिव्यतीर्थस्तटा सिंधव निर्झरा वाटिका क्षात्र देवालया भव्यमेतत् प्रियं भारतम् भारतम् भास्वरम् भारतम् वेदशास्त्राणि साहित्यकाव्यानि च यत्र यच्छन्ति लोकाय सत्प्रेरणम् रम्य रामायणम् श्रीमहाभारतम् राष्ट्रमेतत् प्रियं भारतम् भव्यमेतत् प्रियं भारतम् यत्र देवी सती शारदा जानकी चानुसूया शिवा द्रौपदी पद्मिनी सन्ति सर्वा इमा वत्सला मातरः शक्तियुक्तं शिवं भारतम् भव्यमेतत् प्रियं भारतम् रामकृष्णौ हरि वर्धमानो जिनो गौतमः शङ्करः पाणिनिः नानकः श्रीदयानन्द सन्तश्च देशे भवन् दैशिकानामिदं भारतम् संस्कृतं बोधकं भारतम् 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 नमस्कारः। शक्तिसंभृतं युक्तिसंभृतं शक्तिसंभृतं युक्तिसंभृतं शक्तियुक्तिसंभृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं भारतं। प्रस्तुतियों के इस भाग में है दो और गीत और कुछ शेर। दोनों गीत घर और सरजमीं से दूर देश की रक्षा के लिए लड़ रहे वीर के मन की कसक, उनके देश प्रेम और उनके बलिदान के भाव को शब्दों में, सुरों में बांध रहे हैं। प्रोफेसर नय्यर और प्रोफेसर आलम की शायरी आपको हमारे वतन की मिट्टी में बसे एकता और अखंडता की झलक दिखाता है। फिर देर किस बात की, आइए चले। प्यारी वतन है मेरी बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान।
चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की नबीरान हो तुम, सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बापन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर, विभाग अध्यक्ष उर्दू विभाग, आप सबको नमस्ते और अभिनंदन कहता हूँ। मुझे फख्र है, गर्व है कि हम उस राष्ट्र के रहने वाले हैं कि जो अहिंसा परमो धर्म वाला भारत है, जो वसुदेव कुटुंबकम वाला भारत है, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के सिर्फ रहते नहीं है, बल्कि सबने मिलकर इस देश का इतिहास लिखा है, इस देश के गौरव को बनाया है, इसका निर्माण किया है, इसे अंग्रेजों की गुलामी से बचाया है, आजाद कराया है। और आज हम अपने कड़कड़ के लिए, इस राष्ट्र के कड़कड़ के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। हमारे लिए सबसे पहले हमारा राष्ट्र है और उसके बाद में हम खुद हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, हैराम के वजूद पे हिंदुस्तान उनास, अहले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशन हमारा। नमस्कार, आदाब, नाजरीन। मैं डॉक्टर जानिसार आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू डिपार्टमेंट, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ। उर्दू अदब और उर्दू शायरी ने हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाने में बहुत अहम किरदार निभाया है। वतन की मोहब्बत में इस ज़बान ने इनकलाब जिंदाबाद जैसा नारा बुलंद किया है, और बिस्मिल ने ये शेर पढ़ा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके अलावा हम देखते हैं अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान की सूफी और संत परंपरा पर एक शेर लिखा कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। खुशी की बात है मेरे लिए, मुसर्रत की बात है कि मेरे वालिद मोहतरम पद्मश्री अनवर जलालपुरी ने उर्दू शायरी में गीता नाम से श्रीमद् भगवद गीता का उर्दू में तर्जुमा किया है। इसके अलावा उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मोहब्बत का पैगाम दिया है। उनका एक शेर है कि तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। सन 1947 में हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते आजाद हुए, बहुत संग्राम किया, हजारों जाने गई। आज 2020 में भी हम एक नए शत्रु से लड़ रहे हैं, और इस बार भी लड़ाई स्वतंत्रता की ही है। मिलने जुलने की स्वतंत्रता, निडर सांस लेने की स्वतंत्रता और स्वस्थ जीने की स्वतंत्रता,
इन अगली प्रस्तुतियों में हम देखेंगे कैसे आज का भारत इस लड़ाई में आगे बढ़ रहा है। हम याद करेंगे और सम्मान देंगे उन सेनानियों को जो इस लड़ाई में सबसे आगे हैं, हमारी ढाल बनकर, और हम सीखेंगे कि कैसे एकमात्र धैर्य ही है जो हमें इस संग्राम में विजय पथ पर आगे लेकर जाएगा। आइए देखते हैं करिश्मा, शिवम और जीशान की यह पेशकश। या सड़के या चौराहे, हर गली गली सुनसान है, आज हवा में उड़ रहे पंछी और पिंजड़े में बंद इंसान है। मत घबराओ मेरे साथियों, या उगता हिंदुस्तान है, या बढ़ता हिंदुस्तान है, या लड़ता हिंदुस्तान है। आज न मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे में भगवान है, श्वेत लिबास में दर्द मिटा रहा वह मेरा भगवान है। जल्द खत्म हो जाएगा ये दिन, जल्द खत्म हो जाएगा ये दिन, मिलकर जश्न मनाएंगे, उठो साथियों हम योद्धा इस मिट्टी को बचाएंगे। हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर विनती है, लक्ष्मण रेखा पार न करना, वक्त लगेगा थोड़ा, तब तक घर पर रहना, घर के अच्छे मुखिया बनना, नहीं तो पड़ेगा सबको सहना। सब लड़ेंगे तुम मत डरना, सब लड़ेंगे तुम मत डरना, जड़ से खत्म करेंगे बीमारी विचित्र ये कोरोना, क्योंकि मुझे इस देश पर अभिमान है। मत डरो साथियों, या उगता हिंदुस्तान है, या बढ़ता हिंदुस्तान है, या लड़ता हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। अंत श्वास तक पुष्प मिले यह जीवन का आधार नहीं, हम शूलों से कोमलता मांगे इतने भी लाचार नहीं, हम शूलों से कोमलता मांगे इतने भी लाचार नहीं। सम्मोहन के संदर्भों में कुछ शेष नहीं है कहने को, सम्मोहन के संदर्भों में कुछ शेष नहीं है कहने को। संघर्षों से समझौता अब हालातों को स्वीकार नहीं, संघर्षों से समझौता अब हालातों को स्वीकार नहीं। स्वप्न प्राप्त की खातिर अब इस विरह अग्नि में जलना होगा, स्वप्न प्राप्त की खातिर अब इस विरह अग्नि में जलना होगा, हमें निरंतर चलना होगा, हमें निरंतर चलना होगा। कुछ वचन पुराने टूट गए, कुछ साथ अभी के छूट गए, कुछ वचन पुराने टूट गए, कुछ साथ अभी के छूट गए, कुछ आशाओं के निर्णय थे वे भी भविष्य से रूठ गए, कुछ आशाओं के निर्णय थे वे भी भविष्य से रूठ गए। मैं अथा अकेला जीवन में कुछ होने की अभिलाषा से, मैं अथा अकेला जीवन में कुछ होने की अभिलाषा से, हर कणकड़ को संचित करके कैलाश व्यवस्थित करना होगा, हमें निरंतर चलना होगा, हमें निरंतर चलना होगा। उन्नत के सावन आएंगे, संकट का पथर जाएगा, उन्नत के सावन आएंगे, संकट का पथर जाएगा। जो युद्ध करेगा विपदा से वो ही सम्राट कहाएगा, जो युद्ध करेगा विपदा से वे ही सम्राट कहाएगा। फिर अवसरवादी तत्व तुम्हें नतमस्तक शीश झुकाएंगे, फिर अवसरवादी तत्व तुम्हें नतमस्तक शीश झुकाएंगे। जो त्याग करेगा वर्तमान का सुख भविष्य का पाएगा, जो त्याग करेगा वर्तमान का सुख भविष्य का पाएगा। विजय शस्त्र को पाने खातिर, विजय शस्त्र को पाने खातिर धातु सरीखा जलना होगा, हमें निरंतर चलना होगा, हमें निरंतर चलना होगा। अंत यह है कि आओ मिलकर फिर दांव लगाएं, आओ मिलकर फिर दांव लगाएं, कोरे तन पर हम घाव लगाएं। धैर्य धरे कर्मों से आगे, धर्म रहे प्राणों से आगे, एक बार यह मंत्र अपनाएं फिर हर संकट को टलना होगा, हमें निरंतर चलना होगा, हमें निरंतर चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ थमी सी है जिंदगी, कुछ थमे से ये सफर है, कहीं डरे से हैं लोग घर में, कहीं लोग बेघर हैं। कुछ दो गज की दूरी है इस वक्त बहुत जरूरी, मुंह में मास्क लगा लो, सांसें मिलती रहेंगी पूरी। घर से बाहर जो निकल तो खुद को साफ तो रख, अपने हाथों को धो ले, दिल में प्यार भी रख। कुछ वक्त के है फासले पर दिल में चाहत तो रख, मिलेंगे हम फिर से ये विश्वास तो रख। माना कि गले नहीं लग सकते पर आदाब तो रख, इस कठिन घड़ी में जुबान पर मीठे अल्फाज तो रख। ख्यालों में ही सही उनका जिक्र तो कर, थोड़ी सी ही सही उनकी फिक्र तो कर। जो घर को नहीं जाते तुम्हारे लिए, उनके लिए सम्मान तो रख। करते सफाई तुम्हारे लिए, सोच तो अपनी स्वच्छ रख। करते तुमसे ही लड़ाई तुम्हारे लिए, भारत माँ की साख तो रख। तो ये थी हमारी इस बार की प्रस्तुति। लखनऊ विश्वविद्यालय और सांस्कृतिक की तरफ से आप सभी को देश के आजादी के 74वीं वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो।
भारत की अस्मिता का एक नाम तिरंगा, बलिदानियों के रक्त का परिणाम तिरंगा। उद्धाम राष्ट्र चेतना का धाम तिरंगा, फहरा रहा है विश्व में अविराम तिरंगा। भारत की आन बान है, भारत की आन बान है, धरती की शान है, ये ध्वज नहीं है देश का गौरव गुमान है। करता रहा, करता रहा गुलामी से संग्राम तिरंगा, स्वाधीनता का विश्व में पैगाम तिरंगा। केसरिया रंग, केसरिया रंग चढ़ती जवानी की तरह है, सदियों के त्याग तप की कहानी की तरह है। बलवेदियों पे शीश के दानी की तरह है, यह शौर्य की तलवार है पानी की तरह है। इस रंग की अरुणाई में सूरज की कथा है, रक्तिम जलत की उर्ग तरंगों की व्यथा है। भारत के स्वाभिमान का आकाश रचा है, इस रंग ने ही देश का इतिहास रचा है। सम्मान का चढ़ता हुआ पारा है तिरंगा, बोलो न गर्व से हमारा है तिरंगा। धरती की तरह है जो इसका रंग हरा है, धरती की तरह है जो इसका रंग हरा है, उत्साह नई क्रांति के सपनों का भरा है। इस रंग में उत्कर्ष के अश्वों की तरह है, यह रंग परिश्रम के ललाटों से भरा है। यह देश के भूगोल की पहचान बना है, भूदेवता के त्याग का यशगान बना है। समृद्धि के स्वर्ण ने सभी साध रखे हैं, इस रंग ने धरती के रंग बांध रखे हैं। जय हिंद का उद्घोष त्रिवाचा है तिरंगा, जय हिंद का उद्घोष त्रिवाचा है तिरंगा। आतंक के गालों पे तमाचा है तिरंगा, आतंक के गालों पे तमाचा है तिरंगा। जो श्वेत रंग है, जो श्वेत रंग है, न्याय के पलवे पे तुला है। इस रंग में कुछ रंग अहिंसा का घुला है, यह द्वार है जो शांति के पिंजरे का खुला है। आंसू की धार से या पसीने से धुला है, पानी की तरह है, पानी की तरह है, मगर पानी तो नहीं है, है वर्तमान गुजरी मगर कहानी तो नहीं है। इस रंग से ही न्याय की सत्ता अमंद है, इस रंग से ही सत्य का रुतबा बुलंद है। इस रंग को आंचल में छुपाए है तिरंगा, समझो कि सपत सत्य की खाए है तिरंगा। यह चक्र मेरे देश के दर्शन की तरह है, यह चक्र मेरे देश के दर्शन की तरह है, विज्ञान के वैभव के प्रदर्शन की तरह है। क्षण क्षण में श्वास श्वास में जीवन की तरह है, यह चक्र जो कि चक्र सुदर्शन की तरह है। इस चक्र ने धरती को विजय गान दिया है, इस चक्र ने धरती को विजय गान दिया है। इस चक्र ने जड़ताओं को गतिमान किया है, भारत के सपूतों के लिए जान की तरह। यह चक्र है उगते हुए दिन मान की तरह, सपनों से अपने आँख में पाले है तिरंगा। इस चक्र को सीने में संभाले है तिरंगा, चक्र को सीने में संभाले है तिरंगा। जय हिंद, जय भारत।